अब मेरी बारी है, इस बार तू हारेगा टाइगर। सब ठीक किया तुमने, बस एक बात भूल गए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। दीपावली के मौके पर रिलीज हुई मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने पहले हफ्ते में तो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते के फिल्म की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं टेंशन देने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर 3 के अब तक के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि सलमान खान के टाइगर 3 आपको कैसी लगी। शर्मा के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म टाइगर 3 जो कि टाइगर सीरीज का तीसरा भाग है, पहले दो भाग की तरह इस बार फिर से सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी तो हमें फिल्म में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस बार नई एंट्री हुई है इमरान हाशमी की एज अ विलन। इसके अलावा फिल्म में हमें शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का भी एक दमदार कैमियो देखने को मिला था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी और फिल्म का शुरुआती एक हफ्ते का कलेक्शन भी काफी ठीक ठाक रहा था, लेकिन दूसरा हफ्ता जैसे ही चालू हुआ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा ही ड्रॉप दिखा दिया। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने के पहले सबको लगा था कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन जिस तरह फिल्म ने अभी तक दुनिया भर से कलेक्शन किए हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि अब 1000 करोड़ के सपने हम सबको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर यहां पर बात करें टाइगर 3 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो हिंदी, तमिल, तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज हुई टाइगर 3 ने शुरुआती 7 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 220 करोड़ 25 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने 8वें दिन सिर्फ 10 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। 9वें दिन तो फिल्म के कलेक्शन और भी नीचे गिर गए और फिल्म का जो 9th डे का इंडिया नेट कलेक्शन है वो लगभग 7 करोड़ 10 लाख रुपए का रहा। हालांकि बात करें फिल्म के 10th डे यानी कि 10वें दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म को 10वें दिन जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली वो 9वें दिन के मुकाबले भी और ज्यादा कम रही। इसके अलावा फिल्म की एडवांस बुकिंग भी 10th डे पर उतनी बढ़िया नहीं हो पाई। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक मेगा स्टार सलमान खान के टाइगर 3 अपने 10वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है और इसी के साथ टाइगर 3 का शुरुआती 10 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 244 करोड़ 35 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 290 करोड़ 77 लाख रुपए। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 389 करोड़ 389 करोड़ का। बता दें दोस्तों फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए मिनिमम इंडिया नेट कलेक्शन 350 करोड़ का करना होगा, जबकि फिल्म को हिट का टैग हासिल करने के लिए वर्ल्ड वाइड मार्केट में कम से कम 550 से 600 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करना रहेगा। तो आप देखते हैं कि टाइगर 3 का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है टाइगर 3 का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस डेली देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपने और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।